टैलेंट रियलिटी शोज में तो आप होनहार बच्चों को देखते ही रहते होंगे, लेकिन हम आपको तीन ऐसे बच्चों से मिलवा रहे हैं जो कई रिकॉर्ड पर आ चुके हैं, अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं, लेकिन शासन प्रशासन सिर्फ कुछ सर्टिफिकेट देकर इन्हें भूल गया है। भूख और गरीबी इन नन्हे कलाकारों की मेहनत पर पानी फेर रही है। बचपन से दौड़ रहे हैं हम, 10 किलोमीटर पर डे दौड़ते थे, पर अब हम योगा करते हैं, 18 आसन करते हैं योगा का। अपनी उम्र से कई गुना बड़ी महारत, इन बच्चों को देख टैलेंट भी हैरत में पड़ जाए। ये हैं जशपुर के तिवारी परिवार के शालू, आकाश और आजाद, जिन्होंने इतनी कम उम्र में ही बड़े बड़े योगी राज को टक्कर दे दी है और इन्हें ये कला सिखाई है इनके दादा ने। बच्चे तो 400 आसन करेंगे, जितना रामदेव बाबा आसन करते हैं उतने बच्चे आसन कर लेंगे। जॉबिंग कराएं या आसन कराएं, जैसा कहेंगे वैसा बच्चे हमारे करने के लिए तैयार हैं। योगासन ही नहीं, ये बच्चे दौड़ने में भी माहिर हैं। आकाश और शालू ने 4 साल की उम्र में ही रोजाना 20 किलोमीटर की दौड़ का रिकॉर्ड बनाया था। फिलहाल 15 सेकंड में 100 मीटर का रिकॉर्ड इनके नाम है। मैराथन के भी कई सर्टिफिकेट इन्हें मिल चुके हैं, लेकिन इस सब के बाद भी इन बच्चों को 2 जून की रोटी के लिए जूझना पड़ रहा है। हाँ, जितना भी कमाते हैं हम ही लोग के पीछे लगा देते हैं। दादा कभी कभार रो देते हैं, हमें पैसा खाने पीने के लिए नहीं मिल पाता है, इसीलिए दादा कभी कभार रो देते हैं तो हमें दिक्कत हो जाता है। फिर दादाजी को बोलते हम लोग नहीं खाएंगे, ऐसे ही दौड़ेंगे, ऐसे ही योगा करेंगे। हालांकि इनकी प्रतिभा को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी सराह चुके हैं, लेकिन मामला सिर्फ पुरस्कार तक सीमित रहा। जिंदल संस्थान ने इन्हें गोद लिया, लेकिन 2 साल बाद इस घराने ने भी हाथ खींच लिए। मैंने शासन से इतना रिक्वेस्ट किया, लेकिन कहीं आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं, जिसके की रिकॉर्ड हमारे पास रखे हुए। राष्ट्रपति को लिखा, राष्ट्रपति के आदेश हुए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराई गई, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे आर्थिक स्थिति के लिए बोले दिया जाए, लेकिन आज तक खाली पेमेंट कर दिया जाए, नगद दे दिया जाए, लेकिन आज तक किसी ने 2 रुपया शासन ने नहीं दी। रोजाना सुबह 5 बजे से 2 घंटे की दौड़ और 2 घंटे कठिन योगासन का अभ्यास, लेकिन भरपेट खाना तक नसीब नहीं। क्या बच्चों के ख्वाब पूरे होंगे? सालू SP बनना चाहती है, मैं कलेक्टर बनना चाहता हूँ, आजाद IPS अफसर बनना चाहता है। टीवी पर दिन रात रियलिटी शो में प्रतिभाओं को सामने लाया जाता है, लेकिन जो हकीकत में प्रतिभा के धनी हैं, उन्हें भरपेट खाना तक नहीं मिल रहा। ऐसे में नन्हे परिंदों की परवाज कितनी दूर तक हो पाएगी कहना मुश्किल है। राजेश पांडे, सहारा समय, जशपुर।